बिहार की 40 लोकसभा सीट पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ। महागठबंधन के दिग्गज नेताओं ने मछली भात के जायके के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की। इस बैठक के बाद रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन 40 सीट पर जीत हासिल करेगी। देखिए, एजेंडा था कि कैसे हम लोग 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में बिहार में 40 में 40 सीट जीते, यही एजेंडा था। इस एजेंडा पर हम सब लोगों ने विमर्श किया और पूरी मजबूती से महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और 40 में 40 हम सब लोग मिलकर जीतेंगे, यही तय हुआ। देखिए, बाकी क्या फॉर्मूला होगा, अभी खरमास का समय है, सब लोगों को मालूम है, तो इसकी घोषणा हम लोग खरमास के बाद करेंगे। अभी इतना जरूर तय हम लोगों ने किया है कि कोई आपस में उस तरह की बात नहीं होगी। हम लोगों का एक ही टारगेट है कि कैसे 40 में 40 जीते, बस इसी टारगेट पर हम लोग हैं रहेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ओछी भाषा बोलने का आरोप लगाया। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष किया जाएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। एक बहुत ही दुख का विषय है एक तरह से कि बिहार के मुख्यमंत्री अब किसी भी नेता के बारे में, गठबंधन के बारे में, या सोसाइटी के बारे में, या किसी जात के बारे में जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार करते हैं। आज भी उन्होंने कहा, मुकेश सहनी जी हमारा जो गठबंधन है उसके एक सम्मानित नेता हैं, और उन्होंने कहा कि सड़क छाप के लोगों को सड़क से उठा करके महागठबंधन अपने साथ ला करके और गठबंधन बना रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री जी के मुंह से ऐसी बात बिल्कुल शोभा नहीं देती है। हम तो कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों ने इस पर भी विचार किया और मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए। अब किसी को भी इस तरह से कहना मुझको लगता है कि सिर्फ अपराध ही नहीं है बल्कि जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार में करप्शन और क्राइम का बोलबाला है। तेजस्वी ने कहा कि बिना आरसीपी टैक्स दिए बिहार में किसी का काम नहीं होता। नीतीश जी तीन बात कहते हैं कि करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पूरे बिहार में करप्शन ही करप्शन। आरसीपी टैक्स जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं, बिना आरसीपी टैक्स के कुछ हो ही नहीं सकता, बिहार में कोई काम नहीं हो सकता। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग जब तक आप आरसीपी टैक्स नहीं दीजिएगा तब तक नहीं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक गौर कीजिएगा, जब भी चुनाव आता है तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होने होते हैं उसी समय उसका टेंडर किया जाता है। ये सारा ये कौन सा खेल है नीतीश जी आपका कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जब भी चुनाव आता है तब आप जो है इसका जो है टेंडर कराने का काम करते हो। क्या किससे वसूली कराने की बात की जाती है, नहीं की जाती है। इनके पार्टी में लगातार ये कहते हैं कि क्राइम से समझौता नहीं कर सकते। इनके विधायक लगातार जो है कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देते हैं कि इतना दो। एक विधायक शराब की गाड़ी से पूरा पकड़ाया जाता है, दूसरा विधायक जो है न्यू ईयर में गोली मार करके एक हत्या कर देता है। महागठबंधन ने मजबूत सामाजिक गठजोड़ कायम किया है। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मजबूत एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर महागठबंधन मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ा तो नीतीश मोदी की जोड़ी को नाकों चने चबाने होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।